और अब खबर गांव के पंचायत के तालिबानी फैसले की। महाराष्ट्र के सतारा में एक जाट पंचायत ने बेटी से बलात्कार के आरोप में एक बाप के साथ पीड़ित को भी सजा सुना दी। दोनों को सरेआम 10-10 कोड़े लगाए गए। पहले बेटी और फिर पिता पर इसी तरह से 10 कोड़े पड़े। कानून की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर है महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव पांचवड़ की, जहां की जात पंचायत ने बाप और बेटी दोनों को 10-10 कोड़े की सजा सुनाई। पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप का आरोप है, जबकि पीड़ित बेटी को इस आधार पर सजा दी गई क्योंकि उसने इसका विरोध नहीं किया। जात पंचायत की दलील है कि पीड़ित बेटी 4 महीने तक दरिंदगी क्यों सहती रही। समाज को पिता की करतूत का पता तब चला जब 14 साल की बेटी मां बन गई। उसके बाद जात पंचायत ने कानून को धता बताते हुए खुद ही फैसला सुना दिया। अगर आरटीआई कार्यकर्ता इस मामले को लेकर पुलिस तक नहीं पहुंचता और पंचायत की कार्रवाई की तस्वीरें पेश नहीं करता तो मामला सामने भी नहीं आता। जो बाप ने उसकी लड़की पे बलात्कार किया उसकी मैं निंदा करता हूँ, और जो जात पंचायत बैठी उधर उन्होंने जो वो लड़की को फटके मारने का काम किया वो बहुत गलत काम किया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच मासूम बच्चे की जिंदगी अधर में है। एक तो उसकी मां नहीं है और वो खुद अपने पिता की दरिंदगी का शिकार बनकर मां बन गई है। इम्तियाज मुजावर, सतारा, आज तक। जी हाँ, देखिए फोन कॉल आई थी, उसके बाद ही बच्चों को और जो टीचर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया, स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो स्कूल में तलाशी है।